अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार मेरे दोस्तों। तो यार आज हम बात करेंगे थोड़ी क्रिकेट की, मींस पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेकेंड ODI। एक्चुअली है तो ये फर्स्ट मैच, बट एक मैच ऑलरेडी वॉश आउट हो गया था फ्राइडे को। सो यार फाइनली क्रिकेट इज़ बैक इन कराची पाकिस्तान, बट देर वॉज डिसअपॉइंटमेंट अबाउट क्राउड, तो हम उस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलें। वेल, पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच के बाद श्रीलंका को हरा दिया 67 रन से। स्टार्स ऑफ द मैच थे बाबर आजम एंड उस्मान खान शनवारी। तो यार सबसे पहले तो नज़र डालें ओवरऑल मैच पर। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर, और एक आगाज़ दिया अच्छा आगाज़ फ़खर जमान और इमामुल हक ने, जिसके बाद बारी को संभाला बाबर आजम ने। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेलरेट किया और टारगेट को 306 रन तक लेकर गए। तो यार वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का पहला मैच था, तो इट वॉज इन पाकिस्तान, सो क्वाइट इमोशनल भी था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्लो बैटिंग की, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द पिच। सब प्लेयर्स ने अपनी जगह अच्छा खेला। हारिस थोड़े स्लो रहे, वो जस्ट सिंगल डबल ही कर रहे थे। मानता हूँ कि हाँ थोड़ा स्कोर ज़्यादा हो सकता था, बट एट द एंड वही हुआ विकेट्स का गिरना। यार अच्छी चीज़ नज़र ये आई कि इफ्तिखार अहमद, यस इट्स अ न्यू नेम, बट मैच के एंड पर आकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद द बैट। 32 रन बनाए 20 बॉल्स पर, दो चौके और दो छक्के भी लगाए। पाकिस्तान की इनिंग्स को अच्छे से फिनिश किया और नॉट आउट रहे। सो आई होप एक नए चेहरे को हम देखने वाले हैं इन फ्यूचर। यार श्रीलंका की बात करनी होगी, मतलब कि यार श्रीलंका की टीम तो ऑफिशियल है मगर बहुत से प्लेयर्स नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी में शहान जयसूर्या और दसुन चनाका ने क्या बेहतरीन बैटिंग की है। मतलब यार आपको पता है कि अगर इनकी विकेट्स ना गिरती तो ऑलमोस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से जा ही रहा था। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही फिनिश ना कर सके, तो ऐसे में श्रीलंका को अपनी बेंच स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो गया। ये दोनों प्लेयर्स ने 28 पर 5 आउट होने के बाद कितना अच्छा अंडर प्रेशर परफॉर्म किया और ज़बरदस्त खेल खेला। मुझे अफसोस हुआ जयसूर्या अपनी सेंचुरी पूरी ना कर सके, ही रियली वेल डिजर्व्ड इट। उस्मान खान शनवारी लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा कमबैक किया विद द बॉल, अच्छे कटर्स, अच्छा स्टार्ट दिया जैसे कि सरफराज एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। मोहम्मद आमिर ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया, अच्छी लाइन लेंथ के साथ श्रीलंका को बिल्कुल सेटल ना होने दिया और शनाका और जयसूर्या के अलावा कोई पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक ना सका। तो यार कराची के क्राउड की बात करूंगा दोस्तों, देखो यार वर्किंग डे भी था एंड यू नो कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से कितना मसला होता है ग्राउंड पहुंचने में। तो प्लीज़ अपनी कंट्री को ऐसे लो डाउन नहीं करते, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और फिर भी एट लास्ट क्राउड अच्छा था, श्रीलंकन प्लेयर्स की भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रही थी। बाबर आजम की जितनी तारीफ करें यार कम है। मुझे पर्सनली फील हुआ आफ्टर वाइटैलिटी ब्लास्ट इंग्लैंड में खेलने के बाद बाबर में बहुत चेंज आया है, न्यू स्ट्रोक्स, बेटर प्लेसमेंट्स एंड पावर हिटिंग सिक्सेस। सो आई होप अब हम बाबर की और अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने वाले हैं। लव टू सी हिज 100 एट हिज होम कंट्री। शादाब खान काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, थोड़ी लाइन ऑफ लेंथ आउट थी, काफ़ी एक्स्ट्रा रन्स दे गए मगर खैर कवर हो गया टीम परफॉर्मेंस की वजह से। वहाब रियाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी पेस और लेंथ के साथ बॉलिंग की। इमाद वसीम भी एवरेज रहे। तो यार बट एट लास्ट बेहतरीन फाइट बैक था श्रीलंका का। श्रीलंका आई होप आने वाली गेम्स बहुत टक्कर की होने वाली हैं, मीन्स T20 भी हैं अभी। पाकिस्तान को अलर्ट रहना चाहिए, जैसे कि सरफराज ने कहा था कि हम इन्हें बिल्कुल भी हल्का नहीं लेंगे। एट लास्ट थैंक यू सो मच यार श्रीलंका फॉर कमिंग टू पाकिस्तान, बट नेक्स्ट टाइम कम विद योर प्रॉपर टीम एंड यू विल गेट मोर लव एंड मोर सपोर्ट देन एवर। तो यार आज के जिलियन एपिसोड का टाइम खत्म होता है, थैंक्स अलॉट यार आप सबके सपोर्ट का। तो अपने सजेशंस देना बिल्कुल ना भूलें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। सजेस्ट अस मोर टॉपिक्स आइडियाज, शेयर विद अस योर थॉट्स, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, सी यू, टाटा, गुड बाय।